हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीआईएमटी यूट्यूब क्लासेस। एमबीए फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें हम अपना लास्ट टॉपिक कर रहे हैं जो है डाटा माइनिंग का। इसमें आपके 3 यूनिट्स ही हैं, तो थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक डाटा माइनिंग है जो हम पढ़ रहे हैं। डाटा माइनिंग क्या होता है? डाटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड पैटर्न्स फ्रॉम एनोमिनल डाटा। कि बहुत सारे डाटा में से जो आपके पास डाटा अवेलेबल है, हर तरीके का डाटा आप स्टोर करते हैं अपने डाटा के हाउस में, तो उसमें से डाटा मतलब जो भी आपके लिए यूजफुल डाटा है उसे रिफाइन करना, उसे एक्सट्रैक्ट करना इज कॉल्ड डाटा माइनिंग। जैसे माइंस होती है, माइंस में भी आप ऐसे ही करते हैं कि बहुत सारा मतलब पत्थरों में से आप हीरे ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे कोल माइंस है, उसमें से कोल्स को आप रिफाइन करके ढूंढते हैं। तो यानी आप बहुत सारे अगर अबंडेंस सोर्स में से किसी यूजफुल चीज को फाइंड आउट करते हैं उसे माइन बोलते हैं। वैसे बहुत सारे डाटा में से जो एनोमिनस डाटा सेम होता है कंपनी के पास, उसमें से जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो मतलब यूजफुल हो आपके लिए बेनिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसे फाइंड आउट करके एक्सट्रैक्ट करना इज कॉल्ड डाटा माइनिंग। इट इंक्लूड्स कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ डाटा। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस, नॉलेज माइनिंग फ्रॉम डाटा और डाटा पैटर्न एनालिसिस, ठीक है। इट इज अ लॉजिकल प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू फाइंड आउट यूजफुल डाटा। वंस द इन्फॉर्मेशन पैटर्न्स आर फाउंड, इट कैन बी यूज्ड टू मेक डिसीजंस फॉर डेवलपिंग द बिजनेस। डाटा माइनिंग टूल्स कैन गिव आंसर्स टू योर वेरियस क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर बिजनेस व्हिच वाज टू डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। दे ऑल्सो फोकस द फ्यूचर ट्रेंड्स व्हिच लेट्स द बिजनेस पीपल टू मेक प्रोएक्टिव डिसीजंस। तो इसमें कौन से हमारे 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं डाटा माइनिंग में? एक्सप्लोरेशन, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन एंड डिप्लॉयमेंट। एक्सप्लोरेशन क्या होता है? इन दिस स्टेप द डाटा इज क्लियर एंड कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। द नेचर ऑफ डाटा इज ऑल्सो डिटरमाइंड। आपने एक्सप्लोर करना है कि कौन सी यूजफुल आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें आपने इसे कन्वर्ट करना है दूसरे फॉर्म में जो आपके लिए यूजफुल हो। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा? द नेक्स्ट स्टेप इज टू चूज अ पैटर्न विच विल मेक द बेस्ट प्रेडिक्शन। कि आपने पैटर्न चूज करना है जिससे उस डाटा का, उस इन्फॉर्मेशन को आप बेस्ट प्रिडिक्ट कर सको। एंड द लास्ट स्टेप इज डिप्लॉयमेंट। द आइडेंटिफाइड पैटर्न्स आर यूज्ड टू गेट द डिजायर्ड आउटकम। फिर उन पैटर्न्स को आपने मतलब वर्किंग में लेके आना है और अपने बेस्ट रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। बेनिफिट्स क्या होते हैं डाटा माइनिंग के? ऑटोमेटेड प्रिडिक्शन ऑफ ट्रेंड्स एंड बिहेवियर्स। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन न्यू सिस्टम एज वेल एज एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म। इट कैन एनालाइज यूज डाटाबेस इन मिनट्स। ऑटोमेटेड डिस्कवरी ऑफ हिडन पैटर्न्स। देयर आर लॉट ऑफ मॉडल्स अवेलेबल टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स डाटा इजीली। इट इज ऑफ हाई स्पीड विच मेक्स इट इजी फॉर द यूजर्स टू एनालाइज ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन लेस टाइम। इट यील्ड्स इंप्रूव्ड प्रेडिक्शन। ये बेनिफिट्स है डाटा माइनिंग के। और इसकी टेक्निक कौन कौन सी होती है? 7 टेक्निक्स होती है डाटा माइनिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। डाटा माइनिंग टेक्निक हैज टू बी चूजन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस एंड द टाइप ऑफ प्रॉब्लम योर बिजनेस फेसेस। किस तरीके की प्रॉब्लम आपका बिजनेस फेस कर रहा है, तो और आपके बिजनेस के लिए कौन से सुटेबल है, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपके जो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी कितनी है, जो पर्सन इन्वॉल्व है उन्हें कितनी टेक्निकल नॉलेज है, ये सब चीजें बेस करेंगी। मतलब दीज आर द बेसिस कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्निक यूज करनी है डाटा माइनिंग की। तो जो मेन टेक्निक्स है, 7 मेन टेक्निक्स है, वो कौन सी है? स्टैटिस्टिक्स, क्लस्टरिंग, विजुअलाइजेशन, डिसीजन ट्री, एसोसिएशन रूल्स, न्यूरल नेटवर्क्स एंड लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन। ये 7 हमारी टेक्निक्स हैं। इसमें से जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको बेस्ट सूटेड है आप उसे चूज कर सकते हैं डाटा माइनिंग के पर्पज के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक। स्टैटिस्टिकल टेक्निक में आपको पता है कि मैथ्स की मतलब आप स्टैट्स की फॉर्म में मतलब फॉर्मुलेज लगाकर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसे। मतलब इसमें हमारे जो मेन तरीके होते हैं डाटा कलेक्शन के, वो होते हैं हमारे से हिस्टोग्राम, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, मैक्स, मिनिमम, लीनियर रिग्रेशन। ये हमारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक के मेन इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। इसके बाद जो सेकेंड है हमारी क्लस्टरिंग टेक्निक। क्लस्टरिंग क्या होता है? दिस इज द ओल्डेस्ट टेक्निक यूज इन डाटा माइनिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डाटा दैट आर सिमिलर टू ईच अदर। दिस विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द डाटा। कि उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से सिमिलर है और कौन से डिफरेंट है, ठीक है।
This is sometimes called segmentation. Help the user to understand what is going on within the database. जैसे segmentation में होता है, हमने different categories में divide कर देते हैं, वैसे ही clustering में हम clusters बना देते हैं, groups बना देते हैं, जिसमें same तरीके का data एक जगह पर store होता है और different तरीके का दूसरी जगह पर. There are different types of clustering methods. They are as follows. कौन से हैं? Partitioning methods, डेंसिटी बेस्ड मेथड, ग्रिड बेस्ड मेथड्स, मॉडल बेस्ड मेथड्स, ठीक है, ये हमारे क्लस्टरिंग के मेथड्स हैं. नेक्स्ट इज विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन क्या होता है? इट इज द मोस्ट यूजफुल टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू डिस्कवर डाटा पैटर्न्स. कि आपके डाटा का पैटर्न क्या है उसे विजुअलाइज करने के तरीके को हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन. दिस टेक्निक इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ डाटा माइनिंग प्रोसेस. मैनी रिसर्चर्स आर गोइंग ऑन दिस डेज टू प्रोड्यूस इंटरेस्टिंग प्रोजेक्शन ऑफ डाटा बेसिस व्हिच इज कॉल्ड प्रोजेक्शन परस्यूड. Visualization is a technique which converts poor data into a good data, letting different kinds of data mining methods to be used in discovering hidden patterns. कि हम different techniques को use करके जो भी hidden patterns हैं उन्हें identify करते हैं और एक bad data को भी good data में convert कर सकते हैं. Next fourth हमारी technique induction decision tree technique. Induction decision tree technique क्या होती है? A decision tree is a predictive model and the name itself implies that it looks like a tree. In this technique, each branch of the tree is viewed as a classification constant and the leaves of the trees are considered the partitions of the data set related to the particular classification. This technique can be used for exploration analysis, data pre-processing and prediction work. In sab cheezon ke liye hamari ye technique decision tree use hoti hai. Ek proper ek tree ki tarah structure lagta hai aur jo matlab use hum bolenge ki classification question hamara kaun sa aur jo uske leaves hote hain wo har cheez ki partition karte hain ki in in parts mein hamara data divided hai. Decision tree technique is mostly used by statisticians to find out which database is more related to the problem of the business. Decision tree technique can be used for prediction and data processing, pre-processing. To कौन से steps इसमें involved होते हैं? If the decision tree stops growing under any one of the below circumstances, इनके अंदर decision tree grow नहीं करता है. कौन से ऐसे circumstances हैं? If the segment contains only one record, all the records contain identical features, the growth is not enough to make any further split. उस time पर ये further decision tree grow नहीं करता है. या तो एक ही record हो रहा हो या फिर उसके identical features हो या फिर split आप और उससे ज्यादा नहीं कर सकते. उस time पर वो वहीं पर खत्म हो जाता है. Fifth technique is neural network. Neural network क्या होता है? Neural network is another important technique used by people these days. This technique is most often used in the starting stages of data mining technology. Starting stages में use होती है. The two main parts of this technique are the node and the link. Node और link क्या होता है? Node होता है which freely matches to the neuron in the human brain. कि जैसे neurons होते हैं उनके साथ सीधा human brain के साथ link करता है. And the link क्या है? Which freely matches the connection between neurons in the human brain. कि human brain में जो neurons के connections हैं उसे हम बोलते हैं link. जो neurons को human brain से link करता है that is called the link. And node क्या होता है? कि जो मैच करता है न्यूरॉन को ह्यूमन ब्रेन के साथ. न्यूरल नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स व्हिच कुड फॉर्म अ सिंगल लेयर और मल्टीपल लेयर्स. द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरॉन्स एंड देयर इंटरकनेक्शंस आर कॉल्ड आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क. देयर आर अ वाइड वैरायटी ऑफ न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स एंड ईच मॉडल हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एवरी न्यूरल नेटवर्क मॉडल हैज डिफरेंट आर्किटेक्चर्स एंड दीज आर्किटेक्चर्स यूज डिफरेंट लर्निंग प्रोसीजर्स. कि हर का अपना अलग तरीका होता है सॉल्व करने का और हर तरीके हर आर्किटेक्चर भी अलग होता है, लर्निंग प्रोसीजर भी अलग होता है. तो सॉल्यूशंस क्या है हमारे पास इसके लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो जाए? फर्स्ट सॉल्यूशन इज न्यूरल नेटवर्क इज पैकेज्ड अप इनटू अ कंप्लीट सॉल्यूशन व्हिच विल लेट इट टू बी यूज फॉर अ सिंगल एप्लीकेशन. सिंगल एप्लीकेशन के लिए प्रॉपर एक प्रोसीजर बताया होगा आपको, वो इम्प्लीमेंट करना है. एंड सेकेंड सोल्यूशन इज टू बॉन्ड विद एक्सपर्ट कंसल्टिंग सर्विसेज. जो आपकी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कंसल्ट करो, उन कंसल्टिंग सर्विसेज के साथ कंसल्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करो. सिक्स जो टेक्निक है हमारी वो है एसोसिएशन रूल टेक्निक. एसोसिएशन मीन्स आपस में एसोसिएट करना, ग्रुप्स को इकट्ठे आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में रखना. दिस टेक्निक हेल्प्स टू फाइंड एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर आइटम्स. इट हेल्प्स टू नो द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स इन डेटाबेसेस. It discovers the hidden patterns in the data sets which are used to identify the variables and
the frequent concurrence of frequent occurrence of different variables that appear with the highest frequencies को आप identify करते हो कि सबसे ज्यादा frequency किसकी आ रही है, इसे derivative form करते हैं. Association rule offer to measure information, कौन सी major information को offer करते हैं. Support and confidence, support क्या होता है, how often the rule applied, कितनी जल्दी use हो रहा है, and how often the rule is correct. Confidence कब आता है, जब आपको ये पता चलता है कि कितनी बार ये चीज सही भी हुई है. This technique follows the two-step process. कौन से two steps होते हैं इस technique के? Find all the frequently occurring data sets and create strong association rules from the frequent data sets. जैसे हम data tally charts बनाते हैं कि जितनी बार भी occurrence हुआ है हम सबको record करते हैं और जो सबसे सही होता है उसे हम find out करते हैं, mean median mode निकालते हैं. Next is this technique is most often used in retail industry to find pattern in sales. Sales के pattern को find out करने के लिए use की जाती है. और जो लास्ट हमारे पास टेक्निक है वो है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या होता है? डाटा माइनिंग टेक्निक्स. क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा माइनिंग टेक्निक व्हिच कंटेन्स अ सेट ऑफ प्री क्लासिफाइड सैंपल्स टू क्रिएट अ मॉडल व्हिच कैन क्लासिफाई द लार्ज सेट ऑफ डाटा. के हमारे पास प्री डिजाइन मॉडल्स होते हैं, हमने उसके अंदर बस डाटा को सेव करना है और वो अपने आप ही वैसा क्लासिफाई हो जाएगा. ठीक है. This technique helps in deriving important information about data and metadata. Metadata क्या होता है? Data about data. कि जो हम data store कर रहे हैं उसके बारे में भी क्या आपके पास data, क्या क्या information आपके पास है. This technique is closely related to cluster analysis technique and it uses decision tree or neural network system. There are two main processes involved in this technique, learning and classification. Learning में क्या होता है? In this process, the data analyzed by classification algorithm. और क्लासिफिकेशन में क्या होता है? इन प्रोसेस द डाटा इज यूज टू मेजर द प्रिसाइज ऑफ प्रिसीजन ऑफ क्लासिफिकेशन रूल्स की क्या प्रिसाइज करके हम क्लासिफिकेशन रूल्स को कर सकते हैं. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन मॉडल्स. देर आर एज फॉलोज. कौन से मॉडल्स होते हैं? क्लासिफिकेशन बाय डिसीजन ट्री इंडक्शन, बायस्टेट क्लासिफिकेशन, न्यूरल नेटवर्क, सपोर्ट वेक्टर मशीन जिसे हम SVM भी बोलते हैं, एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एसोसिएशन. ये हमारे फाइव मॉडल्स हैं जो क्लासिफिकेशन के यूज होते हैं ज्यादातर. वन गुड एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्निक इज ईमेल प्रोवाइडर. जो ईमेल प्रोवाइडर होता है इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हमारा क्लासिफिकेशन. कैसे इसे क्लासिफाई कर सकते हैं. इसके साथ ही हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो गया इस टॉपिक के साथ भी. होप सो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझ में आया है तो आप उसे पूछ सकते हैं. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.